इस देश का हर नागरिक चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है, आज इस देश का हर नागरिक परेशान है या नहीं है? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और यदि किसान कंगाल है तो देश का बहुत बुरा हाल। इसलिए इस देश के दुखी नागरिक आज इस कुशासन से परेशान है। राज को बदलना चाहते हैं, संघर्ष में जूझने के लिए तैयार है, लेकिन बदकिस्मती देश के लोगों की यह है कि आज कोई अच्छा मजबूत व्यक्तित्व तो नहीं है, और आज देश की हालत सबसे ज्यादा पुख्ता है। आर्थिक तौर पर हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री पूरी तरह से डिक्टेटरियल एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, लेकिन इनके किए हुए गलत कार्यक्रम की वजह से आज देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। लोग इस कुशासन से तंग आ चुके हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि आज स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण और चौधरी देवीलाल सिंह का कोई नेतृत्व नहीं है। देश के लोगों को छोड़ करके एक अच्छी सरकार का गठन कर सकते हैं। इसलिए आपको एक अवसर मिला है, हरियाणा विधानसभा के चुनाव 21 तारीख को, मुझे आप पे बहुत भरोसा और विश्वास है, और आपने इस बात को प्रमाणित किया कि मेरी गैर हाजिरी में भी संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत। हरियाणा प्रदेश में तीन ही राजनीतिक पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, तीसरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम कहें या ना कहें, लोग इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं, कांग्रेस और बीजेपी से लोग बहुत दुखी। छोटे मोटे दल तो बहुत है, इनके तो नाम के आगे भी मनोहरलाल के नाम के आगे खट्टर लग गया। हमारे जो नाकारा पशु होते हैं उनको खट्टर। अभी मैंने सच्चे में बोर्ड देखे हैं, किसी व्यक्ति के नाम के आगे कांडा लगे होंगे। अब नाम के हिसाब से भी लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मैं पहले बनाऊ। और 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का पवित्र जन्म दिवस है, हम उस दिन पार्टी के प्रत्याशियों की सूची छाया करें। और उसमें 33% महिलाओं को टिकट दिया। लेकिन लिस्ट हम नहीं बढ़ाएंगे, आप सब लोग बैठे हो,
आप अपने हल्के से अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके नाम हमारे पास भेजो। ऐसे उम्मीदवार तलाश करो पार्टी के प्रति समर्पित हो, सामाजिक हो, लोगों के दुख दर्द में भागीदारी करते हो, संघर्षशील और जुझारू, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रत्याशी अगर आर्थिक तौर पर कमजोर है इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं झोड़ी फैला के एक एक घर में जाकर के भीख मांगूंगा, लेकिन उनके चुनाव का सारा पैसा।